the reaction which are taking place in this question are as follows. ये निकल कार्बोनाइल है और ये ऐसे ब्रेकअप हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहा है. तो रिएक्शन इन सक्सेशन हो रही है, फिर ये इससे कंबाइन हो रहा है. क्या दे रहा है क्वेश्चन में? दिया हुआ आई टू. ऑब्वियस है कि यहां आयोडीन का अगर अपन ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो ये प्लस फाइव है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए. तो दूसरा प्रोडक्ट ये सीओ टू हो सकता है, इसको बैलेंस करना है. तो हम ऐसे बैलेंस करते हैं, फाइव सीओ और फिर फाइव सीओ टू. देन आई टू एंड एन ए टू एस टू ओ थ्री रिएक्शन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाइपो और आयोडीन की, सोडियम थायोसल्फेट आई टू, और ये हमें प्रोड्यूस कर देगा एनएआई. इसको बैलेंस कर लीजिए, तो क्योंकि यहां फोर सल्फर है ये करना ही पड़ेगा, और इसको इधर टू कर देंगे. तो ये कह रहे हैं कि डिसोसिएट इनटू इट्स कंपोनेंट इफ फाइव मोल ऑफ दिस कंपाउंड इज हीटेड. तो ये अगर यहां फाइव मोल है तो वन से यहां कार्बन मोनोऑक्साइड अपने फोर फॉर्म हो रही है, तो इससे ये कितनी फॉर्म होगी? 20 मोल. और अगर ये यहां 20 मोल है तो आप यूनिटरी मेथड से या मोल मोल ऐसे देख सकते हैं कि फाइव से वन आयोडीन प्रोड्यूस हो रही है. ये इनकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, उनका रिलेशनशिप है. फाइव से ये वन मोल यहां प्रोड्यूस हो रहा है, तो अप्लाई इस पे करना है. तो फाइव से वन, वन से वन बाय फाइव, तो ट्वेंटी से कितना हो जाएगा? वन बाय फाइव इंटू ट्वेंटी, यानी फोर मोल हमारे पास आई टू आ गई. अब ये फोर मोल है तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ फोर एम हाइपो सॉल्यूशन? तो ये फोर मोल है तो ये हमारे पास हो गया एट मोल. मोल का फॉर्मूला होता है एम इंटू वी लीटर. बेसिकली मोलरिटी का ही फॉर्मूला है, मोल्स पर लीटर, उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. तो यहां ये एट है, ये फोर है, तो यहां से वी लीटर फाइंड किया, कितना आ गया? टू लीटर यहां पे हमारा जो है वो आ गया. तो अगर आप इसमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं, और यहां ये तो पहले फाइंड करना ही पड़ेगा, उसके बाद जितने इक्विवेलेंट्स इसके होंगे उतने ही इसके होंगे. तो इसके इक्विवेलेंट्स इसका जो है वो मोल हो गया, और हम जो है वो एन फैक्टर देख लेंगे, वो यहां पे कितना है जो है वो टू है, जीरो से माइनस वन में जा रहा है. अब इसके मोल्स इनटू एन फैक्टर, यहां सल्फर का चेंज कहां से कहां है? टू ऑक्सीडेशन नंबर से 2.5, और Na2S2O3 इसमें सल्फर पर मॉलिक्यूल कितने? टू है. तो अगेन ये चेंज हमारे कितने का आ जाएगा? वन का आ जाएगा. तो एट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर, तो हम उससे भी मोल्स 80 फाइंड करेंगे. तो कैसे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और ये इसका आंसर हो गया.